आज हम संस्कृत विषयों की कक्षा 5 का षोडश पाठ काकस्य उद्यम करेंगे। सबसे पहले इसका संस्कृत वाचन करते हैं। एकस्मिन् वने एकः काकः आसीत्। एकदा सा पिपासया आकुला अभवत्। सा जलाशयम् अन्वेष्टुं वने इस्तत्तता अभ्रमत्। किंतु सुदूरं यावत् कुत्रापि कमपि जलाशयं न अपश्यत्। अन्ते सा एकं घटं अलभत। तस्मिन् घटे स्वल्पं जलम् आसीत्। अतः स जलं पातुम् असमर्था अभवत्। अतः सा एकम् उपायम् अचिन्तयत्। सा दूरात् पाषाणखण्डानि आनीय घटे अक्षेपत्। एवं क्रमेण जलम् उपरि समागच्छत्। काकः जलं पीत्वा सुखी अभवत्। उद्यमस्य प्रभावेण काकः सफला अभवत्। उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफला भवन्ति। उक्तं च उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न भवन्ति। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं, जिससे कि हमें हिंदी से करने में अनुवाद में सहायता मिलेगी। पिपासया प्यास से, अन्वेष्टु खोजने के लिए, इतस्तत इधर उधर, पाषाणखंडानी पत्थर के टुकड़ों को, आनिए लाकर सिद्ध्यन्ति सफल हो जाते हैं। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम करते हैं। अब ये षोडश पाठ काकस्य उद्यम का हिंदी अनुवाद है। एकस्मिन् वने एकः काकः आसीत्। एक वन में एक कौवा था। एकदा सा पिपासया आकुला अभवत्। एक बार वह प्यास से व्याकुल हुआ। स जलाशयम् अन्वेष्टुं वने इतस्तः अभ्रमत्। किंतु सुदूरं यावत् कुत्रापि कमपि जलाशय न अपश्यत्। वह जलाशय की खोज के लिए वन में इधर उधर घूमा, किंतु बहुत दूर तक कहीं भी कोई भी जलाशय नहीं देखा। अन्ते स एकं घटं अलभत। अंत में उसे एक घड़ा मिला या प्राप्त हुआ। तस्मिन् घटे स्वल्पं जले आसीत्। उस घड़े में थोड़ा जल था। अतः सा जलम पातुम असमर्था अभवत्। अतः वह जल पीने में असमर्थ हो गया। अतः से एकम उपायम अचिन्तयत्। अब उसने एक उपाय सोचा। से दूरा पाषाणखंडानी आनीय घटे अक्षिपत। एवं क्रमेण जलम उपरी समागच्छत। वह दूर से पत्थर के टुकड़े लाकर घड़े में डाले। इस प्रकार जल ऊपर आ गया। काकः जलं पीत्वा सुखी अभवत्। कौवा जल पीकर सुखी हो गया। उद्यमस्य प्रभावेण काकः सफला अभवत्। मेहनत के परिश्रम के प्रभाव से कौवा सफल हो गया। उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जना जीवने सफला भवन्ति। परिश्रम के प्रभाव से ही सभी के जीवन सफल होते हैं। उक्तम च और कहा भी गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। जैसा कि कहा गया है कि परिश्रम से ही
कार्य सिद्ध होता है, ना कि मन की इच्छा करने से। हम किसी मन को कोई भी बात की मन में इच्छा कर लें तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। कार्य सिद्ध तब होगा जब हम उस कार्य के लिए मेहनत या परिश्रम करें। अभ्यास प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत है। का कह कुत्र आसी, का कह बने आसी, पुत्र के स्थान पर बने लिखना। खा सा कया व्याकुला आकुला अभवत, सा कया की जगह आएगा पिपासया, सा पिपासया आकुला अभवत। गा सा किम कर तुम असमर्थम अमसमर्थ अभवत, किम की जगह जलम आएगा, से जलम कर तुम असमर्थम अभवत। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्यों से क्या सिद्ध होता है। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, कार्य परिश्रम से सिद्ध होता है। वाक्यानि पूर्यत, अब वाक्य को हमें पूरा करना है, जो शब्द छुटा है उसे उसमें से देखे लिखना है। एक दासा पिपासया आकुला अभवत। खा अन्ते स एकम घटम अलभत। गा घटे स्वल्पम जलम आसी। घा उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफला भवन्ति। अब इसके आगे प्रश्न है 3। क्रियापदानि परिवर्तयत। भ्रमति का अभ्रमत, क्षिपति अक्षिपत, चिंतयति अचिंतयत, भवति अभवत। इस तरह से सेम ऐसे ही वर्ड बनाने हैं। चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि कुर्यत, अब चित्र को देख के वाक्य पूरा करना है। इनसे छाया जीवनम वृक्ष परोपकाराय जनयति, जैसा कि एक दे रखा है अयम वृक्षा अस्मि, ये वृक्ष वाला हो गया, मैं वृक्ष हूँ पेड़ के लिए कहा गया। अहम जनेभ्य फलानि इच्छामि, मैं लोगों को फल की इच्छा फल देता हूँ। अहम पति केभ्य छाया यच्छामि, मैं राहगीरों को छाया देता हूँ। मम जीवनम परोपकाराय एव भवति, मेरा जीवन परोपकार के लिए होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। इसे देख के अपने कॉपी पर अपना वर्क भी पूरा कर सकते हैं।